दगड़ियाओ, जूनियरी उत्तराखंड में आपका एक बार फिर स्वागत। कैसे पहुंचेंगे आप मात्र ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून और फिर घड़ी भर में पहाड़ों की रानी मसूरी की वादियों में। क्या खासियत है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की? कब तक बनकर तैयार होगा ये एक्सप्रेसवे? ये सारी जानकारियां मिलेंगी हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन आपसे एक खास गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल जुनियाली उत्तराखंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। अगर आप दिल्ली गुरुग्राम में नौकरी करते हुए परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि काश पहाड़ नजदीक होते तो वीकेंड की छुट्टियां एंजॉय कर लेते, तो जनाब जल्द ही आपके ये ख्याल पूरे होने वाले हैं। अब आप मात्र ढाई घंटे में दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं और वहां से सिर्फ एक घंटे में पहाड़ों की रानी मसूरी में अपनी हफ्ते भर की थकान मिटा सकते हैं। यह सब संभव होगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बन जाने से। यह एक्सप्रेसवे निर्माण के अंतिम चरण में है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अगले साल यानी 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी 5.5 घंटे से घटकर सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी हो सकेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किलोमीटर है और इसकी अनुमानित लागत 13,000 करोड़ रुपए है, जो कि दिल्ली गाजियाबाद बागपत शामली मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से गुजरकर देहरादून पहुंचेगा। इस एक्सप्रेसवे का पहला सेक्शन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अक्षरधाम मंदिर के पास से शुरू होगा और बागपत के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर समाप्त होगा। 32 किलोमीटर में से 18 किलोमीटर एलिवेटेड रोड जो शास्त्री पार्क खजूरी खास और मंडोला से होकर गुजरेगा। हाईवे को 6 लेन कैरिजवे और 6 लेन सर्विस रोड के साथ एक्सेस कंट्रोल बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे से उत्तर पूर्वी दिल्ली के ट्रैफिक को जाम से छुटकारा मिलेगा। यह उत्तर प्रदेश के टोनिका सिटी और मंडोला बिहार डेवलपमेंट की लाइफलाइन साबित होगा। दूसरे सेक्शन में ईपीई क्रॉसिंग के बाद यह 6 लेन एक्सप्रेसवे 118 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड मार्ग होगा जो सहारनपुर बाईपास से जुड़ जाएगा। हाईवे पर प्रवेश और निकास के लिए कुल 7 इंटरचेंज और 60 अंडरपास बनाए गए हैं। यह एक्सप्रेसवे एक अत्याधुनिक प्रणाली के साथ साथ उपयोगकर्ताओं को अनूठा अनुभव देने का वादा करता है, जैसे कि क्लोज डोर प्रणाली, सीसीटीवी कैमरों से पूरे हाईवे की निगरानी, 25 से 30 किलोमीटर के अंतराल पर हाईवे के किनारे अत्याधुनिक जन सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। तीसरे सेक्शन के अंतर्गत सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर तक 40 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल सुरक्षा अथवा 100 घंटे प्रति किलोमीटर की गति को सुनिश्चित करते हुए अपग्रेडेशन कार्य जैसे कि अतिरिक्त अंडरपास व अतिरिक्त सर्विस रोड बनाए गए हैं। चौथा व आखिरी सेक्शन गणेशपुर से देहरादून तक का है।
जिसका ज्यादातर हिस्सा वन्य भूमि से गुजरता है, साथ ही दुर्घटनाओं के लिहाज से भी अति संवेदनशील है। सड़क की कम चौड़ाई, तीव्र मोड़ और सही पुल संरचनाओं की कमी के कारण शनिवार रविवार के दौरान यात्रियों को, जो ज्यादातर पर्यटक होते हैं, कई घंटों तक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। इस एक्सप्रेसवे का लगभग 6 किलोमीटर का भाग मौजूदा अलाइनमेंट से होकर गुजरेगा और बाकी 14 किलोमीटर के हिस्से को एलिवेटेड रोड और टनल के रूप में बनाया जा रहा है। एलिवेटेड रोड और अंडरपास की पर्याप्त संख्या से वन्य जीवों की बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित होगी। पहले डाटकाली टनल के संकरे होने की वजह से भी जाम लगता था, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित होने से पहले ही कुछ दूरी पर एक नया टनल बन चुका था। अब दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के अंतर्गत एक और टनल बन रही है। इस 6 लेन एलिवेटेड रोड पर 12 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भारत में ही नहीं, एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनने जा रहा है, जो अपने आप में एक मिसाल है। दिल्ली से देहरादून की मौजूदा दूरी 235 किलोमीटर से लगभग 25 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय, जो औसतन 6 घंटे से अधिक का है, घटकर मात्र 2 घंटे 30 मिनट का रह जाएगा। निश्चित तौर पर यह एक्सप्रेसवे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की प्रगति को नया आयाम देगा। खासकर उत्तराखंड में पर्यटन की दिशा में यह एक्सप्रेसवे अहम भूमिका निभाएगा। दगड़ियाओ, तो ये थी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हमारी खास रिपोर्ट। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल जुनाड़ी उत्तराखंड को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।